वैसे तो मौसम चार होते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक पांचवा मौसम भी होता है, और ये तब्दीली का मौसम होता है। हम तब्दीली के दौर में रह रहे हैं, चीज़ें तेज़ी से तब्दील होती हैं। एक टेक्नोलॉजी आती है, उसके फौरी बाद दूसरी टेक्नोलॉजी आ जाती है। ख़ास तौर पर 2000 के बाद जितनी तेज़ी से चीज़ें तब्दील हुई हैं और हो रही हैं, वो बहुत बहुत ही ज़्यादा मुख्तलिफ तजुर्बा है जो 20वीं सदी है उसका, और 21वीं सदी का अगर आप मवाजना करें तो 21वीं सदी बहुत तेज़ी से तब्दील हो रही है। एक टेक्नोलॉजी आती है, उसके चंद महीनों बाद, चंद हफ्तों बाद एक नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, और जो इस तब्दीली को कबूल नहीं करता वो पीछे रह जाता है, और जो इस तब्दीली के मौसम को कबूल करता है वो आगे बढ़ जाता है। एक दौर था जब आपको VCR की ज़रूरत होती थी, उसके अंदर CD लगती थी और कैसेट्स होती थी। ऑडियो कैसेट्स का एक दौर में धंधा बहुत ज़्यादा चलता था, लेकिन आज वो आपको शायद किसी 3 डब्बे के पास तो नज़र आए, किसी कबाड़ के पास तो नज़र आए, लेकिन आज उसकी ख़रीदो फरोख उस तरह से नहीं हो रही। इसी तरह आज के दौर में मोबाइल आ गया है, जिद्दत आ गई है, अब टेलीविज़न का जो दौर है वो ख़त्म होता जा रहा है, पूरी दुनिया शिफ्ट हो रही है मोबाइल के ऊपर। तो जो तब्दीली को जिसने कबूल कर लिया वो बहुत आगे बढ़ गया, और जिसने तब्दीली को कबूल नहीं किया वो नोकिया की तरह बहुत पीछे रह गया। जब ये स्मार्टफोन्स आए और स्मार्टफोन्स का ये कल्चर आया तो नोकिया बड़े फ़खर में था और बड़े तकब्बुर के साथ उसके मालकान ने कहा कि हमें ज़रूरत नहीं है इस दौड़ में पढ़ने की, नोकिया का नाम बहुत बड़ा है, नोकिया की मौजूदगी में इन्हें कौन पूछेगा। लेकिन फिर हमने देखा कि तब्दीली ने किस तरह से नोकिया को उड़ा कर रख दिया। तो जो तब्दीली को कबूल नहीं करता वो पीछे रह जाता है, और जो तब्दीली को कबूल करता है वो आगे बढ़ जाता है। आपको भी आगे बढ़ना है तो फिर ये जो तेज़ी से होती हुई तब्दीली है इसको कबूल करना पड़ेगा, ये जो बदलता हुआ ज़माना है इसको कबूल करना पड़ेगा।